आज के क्लास में अब हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। वो है ड्रिलिंग ऑपरेशंस। यानी ड्रिलिंग ऑपरेशन बेसिकली एक तरह का जो टॉपिक नेम हो गया कि होल मेकिंग ऑपरेशन, होल मेकिंग ऑपरेशंस। तो जब हम लोग वर्कशॉप में जाते हैं, तो जब वहां पर वर्कशॉप में जॉब तैयार होता है, तो जॉब में कई सारे जॉब हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमें होल बनाने की जरूरत पड़ती है। मतलब हो गया कि कुछ मैकेनिकल एलिमेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि जिस मैकेनिकल एलिमेंट का यूज हम लोग नट बोल्ट ज्वाइंट के लिए यूज करेंगे, तो उस एलिमेंट में हमको होल बनाना पड़ता है ताकि हम उसमें बोल्ट को क्या कर सके, सेट कर सके। मान लीजिए कोई एलिमेंट ऐसा है जिसमें रिवेटिंग करना है, रिवेट ज्वाइंट से ज्वाइंट करना है, तो भी हमें होल बनाने की जरूरत पड़ती है वहां पर। ठीक है, तो बोल्ट लगाना, रिवेट लगाना, जिस एलिमेंट में भी हमें ये सब ज्वाइंट करने का जरूरत पड़ता है, तो उसमें हमें होल क्रिएट करना पड़ता है। और कुछ जगह पर जो है, कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसमें होल बनाना भी उसका क्या हो, एक ऐसा फंक्शन हो, यानी उस एलिमेंट का ऑपरेशन में ही शामिल हो उसका होल होना, है ना। तो वहां भी हम लोग होल का क्रिएट करते हैं। तो होल मेकिंग ऑपरेशंस जो है, ये भी काफी वर्कशॉप में वाइडली यूज होता है, और बहुत मोस्ट ऑफ द जॉब में जो है कहीं ना कहीं हमें होल बनाने की जरूरत पड़ती ही है। तो आज हम लोग इस होल मेकिंग ऑपरेशंस में जो सबसे मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू हम होल क्रिएट करते हैं, वो है ड्रिलिंग ऑपरेशंस, है ना। इस ऑपरेशन से हम लोग काफी वाकिफ हैं, वर्कशॉप में भी देखते हैं, घर में भी देखते हैं, होम में भी ये सब ऑपरेशन का हम जनरली पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो कोई भी जॉब हो, उसमें जो फर्स्ट हम लोग जो होल क्रिएट करते हैं, है ना, यानी उसमें जो छेद बनाते हैं, होल बनाते हैं, वो उसमें फर्स्ट ऑपरेशन ड्रिलिंग का होता है। ड्रिलिंग की मदद से किसी भी एलिमेंट में जो है होल तैयार किया जाता है। तो ड्रिलिंग क्या है? तो ड्रिलिंग इज एन ऑब्लिक कटिंग एट इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए होल। यानी कि ये एक तरह का ऑब्लिक कटिंग है, और जिसका यूज जो है हम लोग होल को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। तो ड्रिलिंग के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्रिल्स। ड्रिल्स टूल का यूज होता है। तो ये ड्रिल टूल्स जो है, ये टूल जो बनाया जाता है वो बाय फॉर्जिंग ऑपरेशन से। ठीक है, फॉर्जिंग ऑपरेशंस जो है एक तरह का मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस होता है, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस फॉर्जिंग ऑपरेशन से ड्रिल्स को तैयार किया जाता है, और इसमें जनरली जो मटेरियल यूज होता है ड्रिल के लिए, वो होता है हाई स्पीड स्टील का यूज किया जाता है ना। इसके बाद है कि जो ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, अगर हम लोग को मान लीजिए कि अगर 15 mm का हमें 15 mm डाया का अगर होल बनाना है, जैसे कि यहाँ पर अगर हमको एक होल क्रिएट करना है जिस होल का डायमीटर कितना होना चाहिए, 15 mm का होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम 15 mm के डायमीटर का ड्रिल लेंगे और होल कर देंगे, नहीं, क्योंकि बाद में हमें होल को भी फिनिशिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जनरली जो हम लोग होल जितना साइज का हमें बनाना है, उससे स्लाइटली जो है लोअर वैल्यू ऑफ डायमीटर का ड्रिल लेते हैं, यानी ड्रिल का साइज जो होता है वो छोटा लेते हैं, ताकि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 mm डायमीटर वाला हम लोग क्या लिए, ड्रिल लिए, है ना। तो यहाँ पर होल बनाएंगे तो ये 12 mm का पहले क्या बनेगा, होल बनेगा। बाद में इसको तो इस होल को भी फिनिशिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो ये सब फिनिशिंग करते करते जो है, तो 2-3 mm और कट जाएगा, और लास्टली हमें को 15 mm का होल मिल जाती है। तो इसीलिए याद रखेंगे कि जो ड्रिल्स जो होता है, ड्रिल्स आर मेड स्लाइटली स्मॉलर इन साइज, ये छोटा सा साइज में बनाया जाता है जो कि हमें जितना जरूरत है उसमें, क्योंकि देयर इज सम मार्जिन फॉर रीमिंग। रीमिंग ऑपरेशंस के लिए हम लोग कुछ मार्जिन रखते हैं, रीमिंग करते हैं, बोरिंग करते हैं, या और भी जो ऑपरेशंस करते हैं फिनिशिंग के लिए। तो
वहां भी हमें कुछ ना कुछ मेटल का रिमूवल होता है, इसलिए ड्रिल का साइज जनरली छोटा कुछ लिया जाता है। इसके बाद है कि ड्रिल जो होता है वो टैपर्ड होता है, और टैपर्ड ये बैक साइड में होता है। मतलब जैसे ये अगर ड्रिल मशीन है, यानी ये ड्रिल टूल्स है, तो इसका टैपरनेस बैक साइड में होता है, ऐसे है ना। यानी कि इसका फ्रंट साइड जो होता है वो ज्यादा लार्जर डायमीटर का होता है, और जैसे जैसे ये बैक जाएगा है ना, वो उसका डायमीटर थोड़ा सा स्लाइटली कम होते चला जाता है। यानी ये टैपर्ड होता है इसलिए, क्योंकि जो होल बनते जा रहा है तो उस होल का, यानी कि इस मशीन जो जहां पर होल क्रिएट हो गया, तो एक तरह का ये मशीन्ड सरफेस हो गया। तो मशीन्ड सरफेस को ड्रिल का बाकी बॉडी जो है उसको टच ना करे, क्योंकि अगर बाकी बॉडी भी अगर टच करेगा तो एक तो कटिंग फोर्स का मान बढ़ा देगा, और दूसरा हमारा जो मशीनिंग सरफेस है उसको भी खराब कर देगा। तो जनरली ड्रिल जो होता है टैपर्ड होता है अलोंग इट्स लेंथ, सो दैट इट डज नॉट हिट द फिनिश पार्ट, ताकि जो अभी अभी कटा है उस पार्ट को वो हिट ना करे, है ना, कोई भी अनबैलेंस फोर्स से वो हिट ना हो। इसीलिए ये बैक साइड में क्या होता है, टैपर्ड होता है। यानी कि इसका सबसे फ्रंट जहां पर उसका कटिंग एज है, यानी फ्रंट पार्ट है, वो थोड़ा लार्जर होता है, और जहां पर ये स्पिंडल से जुड़ा हुआ रहता है वहां तक वो थोड़ा सा टैपर्ड होता है। तो इस तरह से ड्रिलिंग ऑपरेशंस की मदद से हम लोग फर्स्ट जो है किसी भी जॉब में होल को क्रिएट करते हैं। दूसरा ऑपरेशन है बोरिंग ऑपरेशंस, है ना, ये भी एक होल मेकिंग ऑपरेशंस है, लेकिन बोरिंग ऑपरेशन जो होता है वो आफ्टर ड्रिलिंग किया जाता है। यानी कि ये ड्रिलिंग के बाद ही फर्स्ट ऑपरेशंस जो होगा होल मेकिंग का, वो ड्रिलिंग ही होगा, उसके बाद ही कोई होगा। तो अगर हमको मान लेते हैं कि जैसे डायमीटर 15 mm का है, और हमारे पास ड्रिल का जो साइज है वो 10 mm का ही मौजूद है, तो हम लोग पहले 10 mm साइज से क्या करते हैं कि होल बना लेते हैं। अभी हमको 5 mm डायमीटर और इंक्रीज करना है, तो फिर हम लोग बोरिंग टूल का यूज करते हैं। बोरिंग ऑपरेशंस में होता क्या है कि ये बोरिंग ऑपरेशंस हो गया कि इनलार्जिंग द होल, यानी कि जो होल पहले से ही बना हुआ है और उसको हमको थोड़ा सा साइज और बड़ा करना है। तो इसीलिए इसका डिफिनिशन ही होता है इनलार्जिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल टू ब्रिंग इट द रिक्वायर्ड साइज। मतलब पहले से होल क्रिएटेड है, लेकिन जितना हमको साइज चाहिए उतना साइज अभी होल का नहीं है, तो फिर हम बोरिंग ऑपरेशंस करके उस होल के साइज को और बढ़ाते हैं, और जितना हमको जरूरत है जितना डायमीटर का उतना हम प्राप्त करते हैं। तो बोरिंग ऑपरेशंस यही हो गया कि इनलार्जिंग द एग्जिस्टिंग होल। तो ये एक तो साइज को, रिक्वायर्ड साइज को दे देता है, और कुछ बेटर फिनिशिंग भी देता है। इसमें एक्यूरेसी जो है कह रहा है कि एक्सपेक्टेड इज 0.125 mm तक इसका एक्यूरेसी होता है। ये बोरिंग ऑपरेशन हो गया, मतलब एग्जिस्टिंग होल को इनलार्ज करना। तीसरा ऑपरेशन है रीमिंग ऑपरेशन, जिसमें रीमर टूल का यूज किया जाता है, और रीमिंग ऑपरेशन जो है ये होल को एग्जैक्ट साइज में, मतलब पहले ड्रिल करके होल बनाए, बोरिंग करके उस होल के साइज को बड़ा किए, और फिर रीमिंग ऑपरेशन करके उसको एग्जैक्ट साइज में लाते हैं। यानी कि एक तरह का ये फिनिशिंग ऑपरेशंस हो गया। रीमिंग को क्या कहा जाता है, फिनिशिंग ऑपरेशन। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जैक्टिंग द होल। रीमिंग ऑपरेशन के थ्रू हम लोग रीमर टूल का यूज करते हैं, और इसमें होल को एग्जैक्ट करते हैं। इसमें मेटल का रिमूवल जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में मेटल का रिमूव होता है, लेकिन होल को एग्जैक्ट करने में हमारा काम आता है। थोड़ा सा मेटल को रिमूव करके होल को ये एग्जैक्ट कर देता है, और साथ में ही वो फिनिशिंग ऑपरेशन, मतलब होल का जो इंटरनल सरफेस है उसको ये एक फिनिशिंग ऑपरेशन देता है, ताकि इट हैज ए फाइन सरफेस फिनिश। यानी इसका जो सरफेस फिनिश हो वो फाइन हो, और टॉलरेंस जो होगा वो प्लस माइनस 0.005 mm, यानी काफी जो है तो क्लोज टॉलरेंस देता है रीमिंग ऑपरेशन। इसीलिए इसको फिनिशिंग ऑपरेशंस कहा जाता है। ठीक है,
ब्रॉचिंग एक तरह का सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ब्रॉचिंग से काफी मेटल रिमूवल होता है ना, ये वैसे ड्रिलिंग का खास हिस्सा नहीं है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग। ड्रिलिंग का टाइप जो है अब है एक पैक ड्रिलिंग। पैक ड्रिलिंग में होता क्या है कि इसमें नंबर ऑफ जॉब को, यानी एक ही बार में जैसे 5 सीट में होल करना है, तो अब अलग अलग सब पांचों में होल बनाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, पांचों सीट को यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर देते हैं ऐसे, और एक ही बार में जो है तो मतलब ढेर सारा पीस को एक जगह करके और एक ही बार इसमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे होल बना देते हैं। तो इस तरह का जो होल मेकिंग ऑपरेशन है उसको हम लोग पैक ड्रिलिंग कहते हैं, यानी कि पैक ड्रिलिंग में कीपिंग ए नंबर ऑफ पीस टुगेदर, नंबर ऑफ पीस को एक साथ रख करके और फिर ड्रिलिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ ड्रिलिंग करना ही क्या कहलाता है, पैक ड्रिलिंग कहलाता है। इसके बाद कोर ड्रिलिंग। तो कोर ड्रिलिंग जो है ये खास करके ये कास्टिंग के वक्त ही हम लोग कर देते हैं, यानी इसमें कोई ये ड्रिलिंग ऑपरेशंस नहीं हुआ, ये एक तरह का कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन नहीं है, ये कास्टिंग ऑपरेशन। मतलब जब हम लोग मोल्ड तैयार करते हैं और मोल्ड में जो कैविटी बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते थे, कोर का इस्तेमाल कर देते हैं। तो यानी कि कुछ कोर मटेरियल जो है कैविटी के बीच में रख देते थे और फिर यहाँ पर मेटल को पोर करते थे, तो मेटल क्या होता था, इसके साइड से भर जाता था और बीच में चूंकि यहाँ पर क्या है कोर रखा हुआ है, तो यहाँ पर मेटल नहीं आ पाता है ना। ये बाद में जैसे ही ये सॉलिडिफाई हो गया, इस कोर को हम लोग इसमें से निकाल के बाहर कर दिए, तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ये एक होल बन गया। तो ये एक तरह का क्या हो गया कि ये कास्टिंग के वक्त ही हम लोग होल क्या कर दिए, बना दिए। तो इसी को हम कहते हैं कोर ड्रिलिंग। ये कोई मशीनिंग ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये कास्टिंग ऑपरेशंस है जिसमें हम कोर की मदद से होल क्रिएट कर देते हैं, तो इसको कोर ड्रिलिंग कहते हैं। उसके बाद है ट्रिपेनिंग। ट्रिपेनिंग में जो है खास करके ये इस प्रकार से ड्रिलिंग होता है जैसे कि ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ फिगर में दिया हुआ है कि ये जॉब है और ये ड्रिलिंग मशीन है, यानी ड्रिलिंग टूल है। ट्रिपेनिंग ऑपरेशन में ये क्या होगा कि ये रोटेट करे रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो यहाँ पर इसका कटिंग एज है दोनों ही, तो ये क्या करेगा, ऐसे जो वर्क पीस है तो वर्क पीस को यहाँ पर ऐसे 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 ये दोनों तरफ से जो है तो ऐसे काटते हुए, ये बार बार जो है इसी पॉइंट पर ऐसे अंदर का डेप्थ की ओर काटते काटते जो है यहाँ पर होल बना देता है, तो पूरा अंदर तक काट देगा। तो यहाँ पर ये बीच वाला जो यहाँ का वर्क पीस है ये मतलब रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पर एक तरह का बड़ा सा क्या बन गया, होल बन गया। तो एक तरह का ट्यूब जो बनता है, ट्यूब मेकिंग ऑपरेशन, मतलब एक तरह का ट्रिपेनिंग ऑपरेशन जो है ये ट्यूब जैसा होल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ड्रिल इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब एट द पेरिफेरी ऑफ विच देयर आर कटिंग एज, कंप्लीट मटेरियल इज नॉट रिमूव्ड। इसमें क्या होता है, कंप्लीट मटेरियल का रिमूव नहीं होता है। मतलब जैसे हम बताएं कि जैसे ये एक तरह का मान लीजिए कि पूरा सॉलिड है, ठीक है, ये पूरा क्या है, यहाँ पर सॉलिड है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पर सिर्फ इसके किनारे किनारे से यहाँ से ऐसे 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 कट करते हुए पूरा डेप्थ तक जाते हैं, तो ये खुद जो है सो ये एक मतलब मेटल ब्लॉक के रूप में ये हमारा बीच से रिमूव कर देते हैं, पूरा अंदर तक कट कर दिए तो ये निकल गया यहाँ से, बाकी ब्लॉक में से ये निकल गया तो यहाँ पर होल बन गया। तो ये पूरा मेटल को कट नहीं करता है, सिर्फ इसको साइड साइड से चारों तरफ से काट दिया, ये खुद जो है इसमें बाकी मेटल से ये अलग हो गया। तो इस तरह का ऑपरेशन कहलाता है ट्रिपेनिंग ऑपरेशंस कहलाता है। इसका जो है यूज जो है वो गन बैरल के, गन गन का जो आगे वाला हिस्सा होता है जिस बैरल से होके बुलेट निकलती है, तो उस गन बैरल को बनाने के लिए ये ट्रिपेनिंग ऑपरेशंस का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट होल मेकिंग प्रोसेस है, वो है काउंटर बोरिंग, है ना। तो काउंटर बोरिंग ऑपरेशंस में देखिए यहाँ पर जो फिगर हमको दिया हुआ है,
काउंटर बोरिंग का ये है। तो काउंटर बोरिंग जिस तरह से हम लोग मिलिंग मशीन में जो है इंड मिलिंग पढ़े थे, इंड मिलिंग जो हम लोग पढ़े थे मिलिंग मशीन में, वो सेम है। यहाँ पर इंड मिलिंग ही है ये एक तरह का, समझ लीजिए, है ना। तो ये भी काउंटर बोरिंग ऑपरेशन जो है, ये भी नाम ही है बोरिंग ऑपरेशन। बोरिंग मतलब ये हो गया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल है उसको लार्ज बनाना। तो यहाँ पर ये भी काउंटर बोरिंग का यूज जो है होल को लिटिल लार्जर बनाने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ लिख भी दिया है काउंटर बोरिंग इज डन बाई इंड मिलिंग, जो इंड मिलिंग ऑपरेशन है वही काउंटर बोरिंग है। और इसका इस्तेमाल जो है जनरली हम करते हैं बोल्ट का हेड को बैठाने के लिए। जैसे ये होल बना हुआ है, लेकिन ये होल में बोल्ट का जो है सेंक पार्ट जाएगा, बोल्ट का जो टॉप पार्ट होता है वो उसका हेड कहलाता है। तो वो हेड भी अपने जगह पे पूरा फिट बैठ जाए, तो उसके लिए हम लोग काउंटर बोरिंग ऑपरेशन करके और बोल्ट को हेड को जो है सेट करने जैसा होल बना देते हैं। तो इट इनलार्ज होल फॉर्म से स्क्वायर शोल्डर विथ द ओरिजिनल होल। यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो ओरिजिनल होल है उसके साथ ये एक तरह का स्क्वायर शोल्डर फॉर्म करता है। और ये कह रहा है कि दिस इज नेसेसरी इन सम केसेस टू अकोमोडेट द हेड ऑफ द बोल्ट स्टड एंड पिन्स, ताकि जो है बोल्ट स्टड और पिन का जो हेड है वो एकदम सटीक पॉइंट पे जाके अपना बैठ जाए। तो काउंटर बोरिंग ऑपरेशंस इस प्रकार से करते हैं, है ना। इसके पास कह रहा है या तो स्ट्रेट या स्पाइरल टीथ होता है, यानी कटिंग एज इसका या तो स्ट्रेट होता है या थोड़ा सा ऐसे स्पाइरल टाइप का होता है, है ना। और भी है कि खास करके काउंटर बोरिंग ऑपरेशन का जो है खास करके उस सरफेस के लिए किया जाता है जो सरफेस रफ हो, अनइवन हो, है ना, एंड मतलब अनइवन हो या फिर हमारा नॉट परपेंडिकुलरली हो। तो इस प्रकार के भी सरफेस के लिए काउंटर बोरिंग ऑपरेशंस का यूज किया जाता है, है ना। नेक्स्ट है काउंटर सिंकिंग। तो काउंटर सिंकिंग भी काउंटर बोरिंग के जैसा ही है, बस काउंटर सिंकिंग में क्या है कि इसमें जो टूल यूज होता है वो टूल का यहाँ पर जो इंड पॉइंट है वो थोड़ा सा टैपर्ड होता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काउंटर बोरिंग में ये पूरी तरह से ये एज ए स्क्वायर टाइप का है ना, मतलब पूरा स्ट्रेट एज है। और काउंटर सिंकिंग में थोड़ा सा यहाँ पर जो टूल है वो क्या है, टैपर्ड है ना। तो ये स्लाइटली टैपर्ड होता है बिगिनिंग में, मतलब होल को अगर हमको स्टार्टिंग में होल को टैपर्ड बनाना है तो काउंटर सिंकिंग ऑपरेशंस करते हैं, है ना। और काउंटर सिंक ये जो है खास इसका भी यूज जो है सीटिंग प्लेस फॉर स्क्रू, स्क्रू के का सीटिंग प्लेस यानी स्क्रू का भी जो हेड होता है उसका सीटिंग प्लेस बनाने के लिए काउंटर सिंकिंग का यूज किया जाता है। तो ये दोनों में सिमिलरिटी है, बस काउंटर सिंकिंग में यहाँ पर टैपर्ड एज है, बस यही अंतर है। अब हम लोग चलते हैं ड्रिल ज्योमेट्री के ऊपर, है ना। ड्रिल ज्योमेट्री में कह रहा है कि जब ड्रिलिंग ऑपरेशंस होता है तो स्टेप क्या क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है कि एक स्मॉल होल फर्स्ट बनता है, है ना, रोटेटिंग वेव के द्वारा। जैसे यहाँ पर अगर ड्रिल टूल यहाँ पर ऐसे ड्रिल टूल आया है और यहाँ से यहाँ पर इस तरह का एक पॉइंटेड होता है, इसको वेव कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर वर्क को एक वर्क पीस है, तो सबसे पहले जो ये यहाँ पर टिप पॉइंट है वो एक छोटा सा होल यहाँ पर बनाएगा, है ना। ये रोटेटिंग वेव जो है ये तो ड्रिल है, ये रोटेट करते रहेगा, तो यहाँ पर एक वेरी स्मॉल साइज का होल से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो चिप फॉर्म होता है बाय रोटेटिंग कटिंग एज, यहाँ पर फिर ये जो है इसका ड्रिल का इधर कटिंग एज होता है, ये इस छोटा सा पहले होल क्रिएट हुआ, इसके साइज को अब धीरे धीरे बड़ा करते हुए ड्रिल का जितना डायमीटर है उतना डायमीटर में ये वर्क पीस में क्या करेगा, यहाँ पर इंट्री मारेगा, है ना। तो इतना जो डायमीटर को जो कट किया इसका, तो इसके पास रोटेटिंग कटिंग एज होता है।
तो अब जो भी वर्क पीस यहाँ से कट रहा है वो चिप बनता है, और चिप जो है वो कन्वेड आउट होल बाय हेलिक्स। यहाँ पर ड्रिल का जो ज्योमेट्री होता है वो हेलिक्स टाइप का होता है, यानी कि हेलिक्स जैसा फॉर्म रहता है, तो जो चिप है उसी वो हेलिक्स फेस के ऊपर से वो बाहर ऊपर की ओर निकल जाता है। यानी चिप जो है ड्रिलिंग हो रहा होगा अंदर में, और चिप जो है उसी हेलिक्स से होते हुए घूमते घूमते ऊपर आ जाता है। उसके बाद है कि ड्रिल गाइडेड इन द होल ऑलरेडी प्रोड्यूस। यहाँ पर जो है ड्रिल को गाइडिंग किया जाता है कि ये एकदम स्ट्रेट रूप में ये सीधा सीधा जाए, या जिस एंगल पर इसको होल मेकिंग के लिए दिया हुआ है, जैसा भी होल बनाना है तो हमें गाइडेंस की जरूरत होती है जब तक कि पूरा होल्स जो है क्रिएट ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ड्रिल का कुछ ज्योमेट्री है, कुछ कुछ इसका जो नेम है वो है। तो इसके पहले नेम को हम लोग फर्स्ट यहाँ से जानते हैं। देखिए यहाँ पर है कि ये ड्रिल का एक्सिस हो गया ये, और ये इसका सबसे टॉप हिस्सा को हम लोग यहाँ पर ये पॉइंट टैंग है। टैंग से हम लोग इसको जो स्पिंडल होता है किसी मोटर का जो स्पिंडल होता है, और ये ड्रिल टूल को हम लोग यहाँ टैंग से क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो ये स्पिंडल के साथ फिर ये स्पिंडल रोटेट करेगा तो ये भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो पोर्शन है ये उसका शैंक पार्ट कहलाता है, और यहाँ के बाद उसका बॉटम तक इसका बॉडी हो गया, और जहाँ तक ये हेलिक्स बना हुआ है ये तो ये कटिंग एज से लेकर के और यहाँ तक का जो इसका लेंथ है इसको फ्लूट लेंथ कहते हैं। ठीक है, ये फ्लूट लेंथ हो गया। उसके बाद हो गया लीड ऑफ हेलिक्स। लीड ऑफ हेलिक्स का मतलब ये हो गया कि लीड जो होता है कि एक रोटेशन में, यानी कि ये ड्रिल जो है अगर एक रोटेशन करेगा तो जितना डिस्टेंस ये एक्सियल में मूव करेगा वो उसका लीड कहलाता है ना। तो वो हो गया। इसके बाद जो है ये इसका बॉडी क्लियरेंस है, और ये उसका जो सरफेस है ये इसको फ्लूट कहते हैं। ये फ्लूट हो गया, एक फ्लूट ये हुआ, दूसरा फ्लूट ये हो गया, ये पूरा जो है तो फ्लूट ही है, और इसी फ्लूट के ऊपर से चिप जो है ऐसे स्पाइरल में है ना, ये हेलिक्स टाइप का है, तो ये चिप जो है इसी फ्लूट के फेस के ऊपर से ऊपर की ओर वो आ जाता है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर फ्लूट का वो हेलिक्स एंगल कहलाता है उसका, है ना। और नीचे जो है यहाँ पर देखिए कि ये कटिंग लिप है। देखिए ये वेब, ये बॉटम का हिस्सा को हम लोग वेब कहते हैं, ये वेब हुआ, और वेब का ये एज कटिंग लिप हुआ है ना। और ये इस दोनों ही कटिंग पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ से अगर एक स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर दोनों को मिलाएं तो यहाँ जो एंगल बनेगा, ये एंगल इसको हम लोग पॉइंट एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल, ये पॉइंट एंगल कहलाता है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ से लेकर के और जो यह नेक्स्ट कटिंग पॉइंट जो है ये दोनों के बीच का लेंथ उसका लिप लेंथ कहलाता है। ये टोटल इसका डायमीटर हो गया यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसका ड्रिल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो ये सब उसका क्या है, मतलब ड्रिल के ज्योमेट्री का कुछ नाम है ना। इसमें यहाँ भी से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ तक यह शैंक लेंथ हुआ और यहाँ से यहाँ तक फ्लूट लेंथ हो गया है ना, ये पूरा बॉडी हो गया, और ये फ्लूट लेंथ के ऊपर ये और ये दोनों देख रहे हैं कि ये क्या दिया हुआ, ये फ्लूट है, और ये फ्लूट जो जितना एंगल से ये झुका हुआ यानी कि ये हेलिक्स टाइप का बना हो रहता है जिसको हेलिक्स एंगल कहते हैं। इसके बाद जो है ये यहाँ पर जो लिप है, लिप यानी कटिंग लिप जो मतलब स्ट्रेट यहाँ पर एक सीधा वर्टिकल लाइन खींच दें तो यहाँ पर जो लिप जो एंगल बनाता है उसको एक लिप एंगल भी कहते हैं, और यहाँ पर ये लिप रिलीफ एंगल है, मतलब लिप जो है जो कटिंग करेगा तो चिप के साथ ये घर्षण न हो, इसीलिए लिप को रिलीफ एंगल यहाँ पर दिया हुआ रहता है थोड़ा सा,
ऐसे अभी ड्रिल ज्योमेट्री में उतना क्लियर पता नहीं चलता है कि कौन सा एज किधर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है फिगर है और 2D में खींचा हुआ है, तो इसीलिए सब यहाँ पर ये लग जाता है कि कटिंग एज और ये पता नहीं चलता है। इसका जो बॉटम का ये हिस्सा है इसको वेब कहते हैं। यहाँ पर वेब को देखिए कि एक फर्दर जो है सो मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में इसको बनाया है, ये वेब हुआ। वेब में जो है सब यहाँ पर नोटेशन दिया हुआ है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एंगल चीजल एज एंगल कहलाता है, मतलब जो इसका चीजल एज है वो जितना एंगल टोटल बनाता है वो चीजल एज एंगल हो गया। इसके बाद ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लेंथ होता है इसको हम लोग लैंड कहते हैं, ये उसका वेव का लैंड पार्ट हो गया, है ना। उसके बाद जो है मतलब हाँ मार्जिन लिप है, यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिया हुआ है मार्जिन लिप दिया हुआ है, ये वेव है, ठीक है। तो यहाँ वैसा उतना पता नहीं चलता है। एक पॉइंट याद रखेंगे यहाँ से, लिप एंगल, लिप रिलीफ एंगल और हेलिक्स एंगल तीनों का समेशन जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसके बाद जो है ड्रिल ज्योमेट्री के ऊपर बात करते हैं। ड्रिल ज्योमेट्री में जो है यानी कि देखिए यहाँ पर अगर अगर वेब का साइज स्मॉल है तो जितना स्मॉल साइज का वेब रहेगा जो मतलब थ्रस्ट उसके ऊपर उतना ही कम लगेगा, यानी कि छोटा सा वेव का होना, ये वेव का साइज छोटा होना थ्रस्ट कम करेगा। वेव छोटा होगा तो छोटा सा होल बनेगा, तो होल छोटा बनेगा तो स्वाभाविक है कि उस पर जो कटिंग फोर्स है या थ्रस्ट है वो कम लगेगा। लेकिन लार्ज वेव को हम डिजायर करते हैं इसीलिए क्योंकि लार्ज वेव के पास ग्रेटर रेजिस्टेंस होता है और ये मजबूत भी होता है। जितना वेव का साइज यहाँ बड़ा होगा वो ड्रिल का टूल जो है उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। तो छोटा साइज का वेव थ्रस्ट को कम करता है, लेकिन लार्ज वेव जो है मतलब ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चिपिंग एंड ग्रेटर टॉर्सनल रेजिडिटी, यानी कि जो लार्ज साइज का वेव होता है वो एक चिपिंग में भी रेजिस्टेंस पैदा करता है और लेकिन उसके पास टॉर्सनल रिजिडिटी ज्यादा होता है, क्योंकि ड्रिल मस टूल जो है वो रोटेशन में होता है और रोटेशन में ही मेटल का कटिंग करता है, तो उसके पास सफिशियंट टॉर्सनल रिजिडिटी होना चाहिए तब जाकर के वो टूटेगा नहीं। तो स्मॉल वेव थ्रस्ट को रिड्यूस करेगा लेकिन लार्ज वेव जो है चिपिंग को रेजिस्टेंस करेगा, है ना, और टॉर्सनल रिजिडिटी ज्यादा होगा। इसके बाद है कि फ्लूट, यहाँ पर जितना बड़ा फ्लूट होगा चिप को फ्लो होने में उतना इजी होगा, है ना। मतलब जितना फ्लूट यहाँ पर क्या होगा फ्लूट का साइज जितना बड़ा होगा या फ्लूट का स्पेस जितना ज्यादा होगा चिप को उतना ही आसानी से वो चिप निकलेगा, क्योंकि चिप को निकालना भी एक मतलब ड्रिलिंग में एक प्रॉब्लम है। चिप अगर नहीं निकलेगा अंदर से तो फिर वो कटिंग कर नहीं पाएगा, होल हो नहीं पाएगा, इसीलिए लगातार चिप का रिमूव होना जरूरी है। इसके लिए फ्लूट का स्पेस चाहिए, तो जितना फ्लूट का ज्यादा स्पेस होगा चिप ट्रांसफर उतनी ही बेहतर होगी। लेकिन स्मॉल फ्लूट भी जो होता है स्मॉल फ्लूट को हम डिजायर करते हैं क्योंकि स्मॉल फ्लूट जो होता है टॉर्सनल रिजिडिटी को बढ़ाता है, यानी स्मॉल फ्लूट वाला जो ड्रिल टूल होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। इसके बाद है कि हेलिक्स एंगल, अगर हम लोग यहाँ पर हेलिक्स एंगल को इंक्रीज करते हैं तो चिप का रिमूवल भी आसानी हो जाएगा। हेलिक्स एंगल का बड़ा होना चिप रिमूवल आसान हो जाता है, लेकिन डिक्रीज इन हेलिक्स एंगल अगर हम लोग का इंटरेस्ट में है, क्योंकि ये भी ग्रेटर स्ट्रेंथ देता है कटिंग एज को, जितना हेलिक्स एंगल कम रहेगा कटिंग एज उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक बीच बीच में लेते हैं कि चिप का फ्लो भी इजी हो और कटिंग एज के को भी काफी सफिशियंट हमको स्ट्रेंथ मिले, है ना। अब जैसे है कि अब हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग अब डक्टाइल का कर रहे हैं कि ब्रिटल का कर रहे हैं। डक्टाइल में जहां पर चिप जो है सो लार्ज चिप बनता है, कंटिन्यूअस चिप बनता है, तो ऐसे मटेरियल को ड्रिलिंग करने के लिए हम लोग लार्ज फ्लूट स्पेस वाला, लार्ज हेलिक्स एंगल वाला,
है ना, मतलब स्मॉल वेब वाला हम लोग ड्रिल टूल यूज करते हैं, लेकिन वहीं पर अगर कोई ब्रिटल मटेरियल है और ये ब्रिटल मटेरियल हार्ड है, तो हार्ड ब्रिटल मटेरियल के लिए ज्यादा मजबूत टूल की आवश्यकता होती है। तो फिर ऐसे केस में लार्जर वेव वाला ड्रिल टूल या फिर स्मॉलर हेलिक्स एंगल है ना, या स्मॉलर नंबर ऑफ फ्लूट स्पेस वो वाला ड्रिल टूल हम डिजायर करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में जो फंक्शन साइड कटिंग एज का होता था, वो ड्रिलिंग टूल में जो है वही फंक्शन पॉइंट एंगल का होता है। जो साइड कटिंग एज एंगल जो हम लोग पढ़े थे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, तो जो फंक्शन उसका वहां पर साइड कटिंग एज एंगल का था, सेम फंक्शन यहाँ पर पॉइंट एंगल करता है। तो ये ड्रिल का क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, और ये दोनों यहाँ पर जितना एंगल बन गया, यही एंगल क्या कहलाता है, पॉइंट एंगल कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट एंगल कहलाता है। ये उसका पूरा डायमीटर ड्रिल का यहाँ पर क्या है, डी है, तो आधा इसका डायमीटर क्या होगा, डी बाय टू होगा, तो इसीलिए यहाँ पर डी बाय टू लिया है। ये उसका फीड हुआ है ना, तो फीड हुआ तो ये एफ बाय टू, यहाँ पर आधा जो है तो ये क्या हो गया, फीड हो गया, क्योंकि ये वाला डबल ना होता है ड्रिलिंग में। जैसे अभी हम लोग दिखाए थे, तो देखिए यहाँ पर एक 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 तो एक ये पोर्शन हुआ और एक ये पोर्शन हुआ, दोनों मिल के फीड देता है, इसीलिए एक एक पॉइंट एंगल पर एफ बाई टू होगा। तो ये क्या है, एफ बाई टू है, ये डब्लू उसका विड्थ है ना, कटिंग एज का विड्थ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लोग बनाए यहाँ पर, ठीक है, यानी ये एक तरह का ये पूरा एंगल अगर बीटा है, ये एंगल पूरा क्या है, बीटा है, या फिर इसका हाफ एंगल को हम लोग बीटा मानते हैं, तो यहाँ से ये डी बाई टू का डिस्टेंस हो गया और ये एफ बाई टू हो गया, या फिर यही डिस्टेंस डब्लू के बराबर है, तो डब्लू बराबर यानी साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई एच होता है, तो साइन बीटा बराबर यहाँ पर परपेंडिकुलर हो जाएगा डी बाई टू, और एच हो जाएगा डब्लू, यानी डी बाई टू बाई डब्लू, तो डब्लू बराबर यहाँ पर क्या आ गया, डी बाई टू बाई साइन बीटा। तो यहाँ पर ए बी का लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पर कितना, देखिए यहाँ पर इसको अलग बनाया है, जैसे ये डब्लू है, ये पूरा डी बाई टू साइन बीटा का है, और ये पॉइंट एंगल हाफ पॉइंट एंगल बीटा है, ये एफ टी मतलब हो गया फीड पर टूथ हो गया। तो यहाँ से ए बी जो है, यहाँ से ए बी का जो लंबाई है, ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई टू साइन बीटा है ना, जहाँ पर टू बीटा पॉइंट एंगल है और एक बीटा जो है हाफ पॉइंट एंगल हुआ। फीड जो है यहाँ पर एमएम पर रिवॉल्यूशन में आता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच एंगल द हेलिक्स मेक विथ द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड हेलिक्स एंगल। जैसे हेलिक्स हॉरिजेंटल के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको हम लोग हेलिक्स एंगल कहते हैं। सेम चीज है इसमें भी, इंपॉर्टेंट एंगल जो ड्रिल का होता है, चूंकि यहाँ ड्रिल टूल 2D में खींचा हुआ है, इसीलिए एंगल का ठीक से पता नहीं चल रहा है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेना है। जैसे रेक एंगल कह रहा है कि रेक एंगल जो बनता है वो प्लेन कंटेनिंग द ड्रिल एक्सिस और लीडिंग एज ऑफ द लैंड, लैंड का जो सबसे लीडिंग एज है और ड्रिल एक्सिस का के प्लेन में, उसके साथ जितना ये लीडिंग एज जो है एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है वही रेक एंगल कहलाता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वैल्यू सब हो सकता है। तो जैसे है कि राइट हैंड फ्लूट के लिए इट्स वैल्यू पॉजिटिव होता है, यानी कि राइट हैंड फ्लूट का जो ड्रिल होगा उसके लिए रेक एंगल पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड फ्लूट के लिए ये निगेटिव होता है, और पैरेलल फ्लूट के लिए ये जीरो होता है। तो कह रहा है कि रेक एंगल का हायर वैल्यू, जैसे हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में रेक एंगल को पढ़ रहे थे कि हायर वैल्यू जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज करते थे और लोअर वैल्यू जो है ब्रिटल के लिए यूज करते, तो यही है कि यहाँ भी हायर वैल्यू ऑफ रेक एंगल हम लोग सॉफ्टर मटेरियल के लिए सुटेबल होता है,
और लोअर वैल्यू जो होगा रेक एंगल का वो हार्डर मटेरियल के लिए सुटेबल होता है। तो जितना इसका मतलब कह रहा है कि लार्जर द वैल्यू, रेक एंगल का वैल्यू जितना ज्यादा होगा पावर जो है उतना ही हमें कम लगेगा, पावर रिक्वायर्ड जो ड्रिलिंग में उतना कम लगेगा। रेक एंगल का ज्यादा होना पावर रिक्वायरमेंट को कम करता है। ठीक है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ड्रिल एक्सिस पासिंग थ्रू द कटिंग एज, द एंगल दिस लाइन मेक विथ द रेक फेस इज कॉल्ड बैक रेक एंगल। सेम तरह का है जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हम लोग पढ़े थे, वैसे ही ये भी रेक एंगल है। यहाँ पर चूंकि फिगर से नहीं दिख रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है, वो उसी तरह का सेम है। तो इसमें कह रहा है कि एट द सेंटर कटिंग एज मर्ज इनटू चीजल एज, इसके सेंटर एरिया पर जो कटिंग एज है वो चीजल एज में मर्ज कर जाता है। सो द बैक रेक एंगल इज जीरो, इसीलिए बैक रेक एंगल सेंटर पे क्या होता है, जीरो होता है। और टुवार्ड द सरफेस बैक रेक एंगल इंक्रीजेज, मतलब हो गया कि सेंटर पर बैक रेक एंगल जीरो होता है और सरफेस पर बैक रेक एंगल मैक्सिमम होता है, वो इंक्रीज करता है आउटर सरफेस तक, यानी आउटर सरफेस पर बैक रेक एंगल मैक्सिमम होता है। ठीक है, और सिंस द कटिंग एज मर्ज इनटू द हेलिक्स, यहाँ पर कटिंग एज अगर हेलिक्स के साथ मर्ज करता है तो बैक रेक एंगल हेलिक्स एंगल के बराबर ही हो जाता है। अगर कटिंग एज हेलिक्स एंगल मतलब हेलिक्स जो है उसके साथ ही मर्ज कर गया, मतलब जो कटिंग एज का भी जो मतलब बनावट है वो हेलिक्स टाइप का ही है, उसके हेलिक्स के बिल्कुल पैरेलल ही है, तो बैक रेक एंगल जो है हेलिक्स एंगल ही उसका बैक रेक एंगल हो गया। पॉइंट एंगल में तो बता ही दिए कि ये कटिंग एज जो दोनों पॉइंट के बीच का है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट एंगल कहते हैं। तो जैसे कि कह रहा है कि अगर मतलब डक्टाइल मटेरियल है तो उसमें चीप जो होता है वो थीक होता है, वो हेलिक्स को जाम कर सकता है, इसीलिए वहां पर लार्जर हेलिक्स को जरूरत होती है। डक्टाइल मटेरियल में कंटिन्यूअस चीप बनता है और मोटा चीप बनता है, इसीलिए लार्जर हेलिक्स का वहाँ जरूरत होता है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि जो स्मॉलर पॉइंट का एंगल है वो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है और लार्जर पॉइंट एंगल जो है वो ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होता है। तो ये जो हाइलाइटेड है पॉइंट, इसको सिर्फ याद रखना है कि स्मॉलर जो पॉइंट एंगल होगा वो डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है और लार्जर पॉइंट एंगल जो है वो ब्रिटल मटेरियल को ड्रिलिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर फीड एंगल है, फीड एंगल जो है यहाँ पर अल्फा इस तरह का फीड एंगल है। तो मटेरियल ऑन द बैकग्राउंड ऑफ कटिंग एज विल फॉर्म एन एंगल, जो मटेरियल जो है कटिंग एज के बैक में है वो भी एक एंगल फॉर्म करता है, यानी विच विल ट्राई टू हिट द कटिंग एज एंड ब्रेक इट, ये कटिंग एज को हिट करने की कोशिश करता है और तोड़ने की कोशिश करता है, इस एंगल को ही फीड एंगल कहते हैं। तो टेन अल्फा बराबर होता है एफ बाई टू पाई आर, एफ क्या है यहाँ पर फीड है और आर क्या है रेडियस ऑफ जो ड्रिल टूल है वो है। तो टेन अल्फा बराबर एफ बाई टू पाई आर ये होता है।